आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में मैं बोल रहा था केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लॉटेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। तो ये क्या है, मेरी एक केबल है, राइट, जो पैराबोला की फॉर्म में हैंग कर रही है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली लोडेड है, तो ये जो पैराबोला होगा वो सिमेट्रिकल होगा, राइट। द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स अटैच टू द केबल। तो ये मेरा रोडवे है, ये जो ग्रे कलर की लाइन है वो रोडवे है, इसको हमने वर्टिकल वायर्स के साथ सपोर्ट किया हुआ है और वो वर्टिकल वायर्स हमने केबल के साथ अटैच कर रखी है। बोल रहा है द लॉन्गेस्ट वायर बिंग 30 मीटर, तो वो वर्टिकल वायर जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है उसकी मेरे को कितनी लेंथ गिवन है, 30 मीटर, और जो शॉर्टेस्ट है उसकी लेंथ कितनी गिवन है, 6 मीटर, राइट। ये शॉर्टेस्ट हो जाएगी, ये लॉन्गेस्ट हो जाएगी। बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। तो क्योंकि मैंने काफी सारी वायर्स के साथ इसको सपोर्ट किया है, तो कोई ना कोई ऐसी वायर भी होगी जो मिडल से 18 मीटर दूर होगी, मेरे को उस वायर की लेंथ बतानी है, राइट। लेट से ये वाली वायर जो है वो यहाँ से 18 मीटर लॉन्ग है, तो मेरे को ये वाली लेंथ बतानी है कि कितनी होगी। तो क्लियरली देख सकते हैं, देखो सबसे पहले तो ये जो पैराबोला है वो यूनिफॉर्मली लोडेड है, राइट। ये जो केबल है वो यूनिफॉर्मली लोडेड है, तो पैराबोला क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। तो लेट से ये जो पॉइंट है ओ, जो मिडल पॉइंट है, उसके पास करने वाली वर्टिकल लाइन को मैंने वाई एक्सिस मान लिया और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस मान लिया। तो ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0, और एक सिमेट्रिकल पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0,0 हो और वो अपवर्ड हो, राइट, पैराबोला इज अपवर्ड। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, राइट। इस पैराबोला की मैं इक्वेशन एज्यूम कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्सटेंडेड पैराबोला जिसका वर्टेक्स क्या हो 0,0, एक्सिस जो है वो वर्टिकल हो, राइट। तो ये मेरा पैराबोला हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये मैंने इसकी इक्वेशन एज्यूम कर ली। अब इस पैराबोला पे बी पॉइंट लाई कर रहा होगा, राइट, और बी पॉइंट का अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट देखूं वो कितना हो जाएगा, देखो 50 हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैं बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं वो एज्यूम कर लेता हूं एच कोमा के, तो एच कितना हो जाएगा, एच मेरा हो जाएगा 50, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये मेरी एक्स एक्सिस है, मेरे को ये वाला डिस्टेंस चाहिए, पूरा डिस्टेंस 30 है और ये वाला डिस्टेंस है 6, तो 30 माइनस 6 कितना हो जाएगा 24, सो के इज 24। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ जाएंगे 50,24। बी पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम सेटिस्फाई करवा देंगे, तो क्या आ जाएगा 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई, वाई इज 24। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो 50 स्क्वायर विल बी 2500 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 24 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, राइट। सो ए इज इक्वल टू, देखो 2504 कैंसिल हो जाएंगे, तो 625, सो ए इज 625 बाय 24, राइट। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो जो पैराबोला की इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 625 बाय 24, राइट, 4 इंटू ए इंटू वाई, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 इंटू वाई, ये मेरे पास क्या आ गई, पैराबोला की इक्वेशन आ गई, राइट, जिस पैराबोला की फॉर्म में मेरी केबल थी उस पैराबोला की इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं देखूं कि ये जो डी पॉइंट है ये भी तो पैराबोला पे लाई कर रहा है, और डी पॉइंट का मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है कितना है, 18 मीटर, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमें कितना गिवन है, 18 मीटर। तो अगर मैं डी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकालूं, एक्स कोऑर्डिनेट मेरे को पता है, तो लेट से मैंने डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लिया, एक्स कोऑर्डिनेट 18 और लेट से वाई कोऑर्डिनेट मैंने एज्यूम कर लिया y1। तो अगर मैं y1 देखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो 6 इंटू, क्योंकि ये पॉइंट भी पैराबोला पे लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, तो 6 इंटू 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 625 इंटू वाई, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 6 इंटू 18 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे y1 आएगा बिकॉज मैंने कोऑर्डिनेट क्या माना है, y1 माना है, सो y1 आ जाएगा अपॉन 625। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो y1 कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 3.1104, राइट। मेरे पास क्या आ गया, y1 इज इक्वल टू 3.1104। ये y कोऑर्डिनेट कौन से पॉइंट का आया है, d पॉइंट का। अब अगर हमने अपने फिगर में देखूं तो मेरे को क्या मिल गया, देखो
मेरे को इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट मिल गया, मतलब ये जो एक्सिस है एक्स डैश एक्स एक्सिस, उससे मेरे को डिस्टेंस मिल गया कितना होगा 3.1104, मतलब मेरे को सिर्फ ये वाला डिस्टेंस मिल गया। बट मेरे को क्या चाहिए, लेंथ ऑफ केबल चाहिए, राइट, लेंथ ऑफ दिस वर्टिकल केबल, वो कितनी हो जाएगी देखो 3.1104 जो कि ये डिस्टेंस है, प्लस ये जो नीचे वाला डिस्टेंस है और वो कितना है 6, तो मैं क्या करूंगा इसमें 6 ऐड कर दूंगा, तो मेरे को लेंथ ऑफ वर्टिकल केबल मिल जाएगी। सो लेंथ ऑफ वर्टिकल केबल विच इज 18 मीटर, विच इज 18 मीटर फ्रॉम मिडवे, फ्रॉम मिडवे वो कितनी हो जाएगी देखो 3.1104, सो 3.1104 प्लस 6, सो इट इज इक्वल टू 9.1104 मीटर, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ऐसी वर्टिकल वायर जो 18 मीटर दूर होगी मिडवे से, उसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 9.1104 मीटर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।